गाड़ी आ रही है सामने से। मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो गाइस कल का पापा जी आ चुके हैं और आज हमारा प्लान है कि हम कहीं घूम के आते हैं, क्योंकि पापा जी इस बार छुट्टी आए थे तो उनका इधर उधर आने जाने में ही छुट्टी ख़त्म हो गई। लेकिन अब जो भी दो तीन दिन छुट्टियां बची हैं तो हम सोच रहे हैं कि कहीं फैमिली के साथ घूम के आ जाते हैं। ज़्यादा दूर तो नहीं जाएंगे क्योंकि भैया हमारे साथ नहीं आने वाला है, उसको टाइम नहीं है इसलिए। तो अभी हम चलते हैं, लेकिन जहाँ भी जाने वाले हैं आई एम श्योर वहाँ हमको बहुत मज़ा आने वाला है और हमको देख देख के आप भी बहुत इन्जॉय करेंगे। तो मैं अभी नहीं बताऊँगी कि कहाँ जाना है, अब बस देखते रहिए। तो गाइज़ आज फाइनली हम जा रहे हैं कहीं बाहर घूमने और हमारे साथ भैया तो नहीं आया है, भैया को कुछ काम था इसलिए। बाकी मैं, पापा जी और मम्मी आगे जा रहे हैं और मैं, दी और विक्की सब लोग हैं। कभी मैं नहीं बताऊंगी कि हम जा कहाँ रहे हैं, आपको देख के पता ही चल जाएगा। ये है कानन पिंडारी, तो हमारा यहाँ भी जाने का प्लान था बट बंद है, तो फिर कहाँ से जाएंगे। तो हम पिकअप है, पिकअप अब हम फाइनली आ चुके हैं। वो गाड़ी आ रही है सामने से। वो है वंडर वर्ल्ड और यहाँ पे है दुनिया के 7 वंडर्स। आज ये भी मत बंद हो। नहीं, बंद नहीं है, खुला है। चलो तो यहाँ गाड़ी करते हैं हम पार्क और उतरते हैं नीचे। तो यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग, सब लोग, मम्मी, निक्की और दी, और ये रहा वंडर वर्ल्ड। यहाँ ज़्यादा भीड़ तो नहीं लग रही है क्योंकि बस इतनी बाइक और एक कार है बस, और बाइक है इतनी सारी। तो अब चलते हैं अंदर। जा रहे हैं टिकट और देखते हैं कि टिकट का कोई आइडिया नहीं है कि कितने का होने वाला है। टिकट 250। तो यहाँ 5 लोगों का 250 रुपये, 50 रुपीज पर पर्सन। तब एक टिकट लेते हैं और अंदर चलते हैं। एक्साइटेड हैं सब लोग अंदर जाने के लिए? यस। यहाँ हम पहले भी आ चुके हैं लेकिन जितने बार आओ उतने बार अच्छा लगता है। बेचारा बंदर, इसके ऊपर बहुत दया आ रहा है मुझे, कैसे देख रहा है। देखिए ना बेचारा कितना प्यारा लग रहा है, सो रहा है। तो गाइज अभी हम आ चुके हैं वंडर वर्ल्ड और यहाँ पे हैं हमारे पूरे वर्ल्ड के 7 वंडर्स। जैसा आप सब जानते हैं वो एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन पहले कुछ कुछ और चीज़ है वो पहले देख लेते हैं हम ये सब, फिर जाएंगे उस साइड। और सबसे पहले ये रहा ताजमहल। तो मैं तो आगरा कभी नहीं गई हूँ बट यहाँ आके मैं देख लेती हूँ यहाँ का ताजमहल। जैसे ये ताजमहल दिखता है वैसे ही वो भी ताजमहल दिखता होगा। फेरा हमारा ताजमहल, विश्व में 7 आश्चर्यों की गणना में भारत के ताजमहल को पुनः नामांकित किया गया है। और जो ताजमहल है वो तो सबको पता है कि यमुना नदी के किनारे है। तो
और यहाँ पे है छोटा सा पॉन्ड बोल सकते हैं इसको, पॉन्ड तो वैसा है नहीं। और यहाँ पे बोटिंग भी होती है बट शायद सिर्फ छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि हम उस पर चढ़ेंगे तो हम गिर ना जाए। और यहाँ अगर बोटिंग करनी है आपको तो पहले 50 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, उसके बाद आपको बोटिंग करना पड़ेगा। पापा जी बैठने का जगह ढूंढ रहे हैं। तो ये हमारा ताजमहल, ऊपर चढ़ना मना है ताजमहल में। और जब हम आए थे तो इतना सब नहीं बना था, बहुत कम ही कम बना था ये। हम शायद जब आए थे तो ये नहीं बना था, ये अभी अभी बना है। ईसा मसीह उजाले का अग्रदूत। और यहाँ पे और ये दी के अकॉर्डिंग ये है बकुला, दी के बकुला है ये। वैसे ये बकुला है नहीं, ये बतख है। कितने प्यारे हैं, कितने प्यारे दिख रहे हैं, बड़े बड़े से हैं। और ये है चीन की विशाल दीवार, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो यहाँ से अंदर नहीं जा सकते शायद, मेरे ख्याल से, तो मैं यहीं से दिखा देती हूँ आपको। और ये है माचू पिच्चू, जिसके बारे में मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि ये है क्या एक्चुअल में। और यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है इसके बारे में, माचू पिच्चू पेरू। और ये रहा हमारा 7 वंडर्स में से लास्ट, ये है चिचिन इत्जा जो है मैक्सिको में। यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, तो आप आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं इन सब के बारे में। और यहाँ पे आप कर सकते हैं बहुत सारे एडवेंचर्स, और इसके लिए भी शायद ये यहाँ पे भी प्लीज़ पे जस्ट 50 रुपीज़। तो यहाँ पे अगर आपको इस पे चढ़ना है, ये सारी एक्टिविटीज़ करनी है, तो आपको इसके लिए 50 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। नहीं तो खाली देख लो, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा। लेकिन इनमें से ज़्यादातर बच्चों के लिए है, और हम बड़े बस यहाँ ऊपर में चल सकते हैं सेफ्टी बैंड के साथ, नहीं तो गिरेंगे यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा चोट लगेगी। तो गाइज अभी मैं और निकी ट्राई करने वाला है ये जो जंपिंग वाला रहता है, और ये हमें शक है कि कहीं टूट मत जाए, क्योंकि ये सिर्फ बच्चों वाला है और हम इतने बड़े हो चुके हैं, इसमें दी नहीं जा रही है। बट वहाँ की जो एक बार हम फिर उनसे कंफर्म करना चाहते हैं, यहाँ की जो यहाँ जो दीदी खड़ी थी उसका केयर टेकर, वो बता रही है कि हम भी जा सकते हैं, टूटेगा नहीं। लेकिन एक बार उनसे और कन्फर्म कर लिया जाए कि कहीं टूटेगा तो नहीं, टूटेगा तो सारा इल्ज़ाम हम पे आ जाएगा, तो उनसे पूछ लेते हैं। किस पे? ये वाले पे, ऊपर वाले पे चले, यहाँ से चढ़ के वहाँ से, और वहाँ से वहाँ से वहाँ, फिर वहाँ उतर जाना है। तो किस में जाना चाहते हो, इसमें कि इसमें? हाँ बताओ, इसमें जाना चाहते हो कि इसमें? इसमें मैं ये सोच रही हूँ, मेरे को सबसे ज़्यादा मज़ा इसी में था, लेकिन कहीं ये टूटे मत बस। उनसे पूछ लेते ना एक बार और। हाँ रुकना। तो गाइज अभी हम जाने वाले हैं ये ऊपर, और सेफ्टी बेल्ट ला रही हैं वो दी। चलो सेफ्टी बेल्ट है, हम भी चलते हैं। हाँ तो मैं, निकी और दी तीनों जा रहे हैं, मम्मी पापा तो जाएंगे नहीं। तो देखते हैं कि ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कैसा रहता है।
पापा जी जाओ, तुम जाको उधर शूटिंग करो, जाओ अंदर। तो अभी यहाँ पे ये दीदी ला चुकी हैं ये सेफ्टी बेल्ट जो हम तीनों लगाएंगे, और फिर यहाँ से जाना है ऊपर, और फिर वहाँ से चलते चलते वो पतले से रो में वहाँ से उतर जाना है नीचे ऊपर वाले में। हाँ, ऊपर आने में उसमें बैठ जाइए, उसमें बैठ जाइए। तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं हम लोग, अभी देखते हैं। खुश हो?